बिल्कुल जी, हमारी आज मीटिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम 9 मेंबर वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसके मौजूद थे पंजाब के। एक मेंबर हमारी जो है वो अमेरिका गई हुई है, उनकी फैमिली वहाँ पे सेटल है, तो यहाँ वो काफी अर्सा से, इलेक्शन चूंकि बड़ा डिले होता रहा, अप्रैल से चल रहा है, तो वो अपनी फैमिली को वहाँ पे मिलने गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक मेंबर से जैसे आपने कहा बिल्कुल, वो चौधरी परवेज साहब की वो नीस है बासमा रियाज जो बाइन गई है, तो बिल्कुल ये अफवाह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो बिल्कुल मुतहिद है, चौधरी परवेज साहब के साथ है, इमरान खान के साथ है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। ये बस इस तरह की अफवाहें फैला के यहाँ पे पंजाब में एक सूरत हाल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि एक मैसेज दिया जाए कि ये लोग ज्यादा देर यहाँ रहने वाले नहीं है, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब हो, गवर्नेंस में मसला हो, ये गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो। मगर साजिद भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पेश किया जाए तो आपके कुछ मेंबरान जो हैं वो ना आए, एब्सेंट हो जाए? नहीं, इस तरह की कोई बात भी कर सकते हैं आगे? बिल्कुल, ये सरासर अफवाहें, बिल्कुल सरासर अफवाहें हैं, ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, देखिए अभी बड़ा मुश्किल वक्त था जब वफाक ने 11 पार्टियों की हुकूमत की, और पंजाब में अभी हुकूमत जो है नंबर्स तो हमारे क्लियर थे लेकिन हुकूमत नहीं बनी थी। उस वक्त इन्होंने बहुत कोशिश की है पीटीआई के एमपीएस के साथ, टू लीग के एमपीएस के साथ, डिफरेंस इन्होंने लोगों को डिफरेंट तरीकों से अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। आखिर में जब इन्हें पता चला कि हमारा कोई भी तरीका जो है, हरबा जो है, उसमें हम कामयाब नहीं हो रहे, तो डिप्टी स्पीकर से गैर आनी रूरी दिलवा के एक खत का सहारा लेके इन्होंने एक चोर दरवाजे से आने की कोशिश की, लेकिन वो भी अलहमदा इनकी नाकाम हुई, और आइंदा भी जितनी भी इनकी कोशिशें होगी वो इनशाला नाकाम होगी। सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाबों और ख्यालों की हद तक है।